नमस्कार, 11:11 बुलेटिन में આપનું સ્વાગત છે. સમાચારોની સાથે હું છું ચિત્રા. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ. ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નારાજગી યથાવત છે. આપણે જણાવી દઈએ કે નારાજ નેતાઓની નારાજગી હજુ પણ દૂર નથી થઈ. ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર પણ નારાજ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. અલ્પેશ ઠાકોર આજે સાંજે રાહુલ ગાંધીને મળે તેવી શક્યતાઓ છે. ગુજરાત કોંગ્રેસમાં અસંતોષ હવે સપાટી ઉપર આવી રહ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે અનેક દિવસોથી એ વિગતો મળી રહી હતી કે ક્યાંક ક્યાંક જે સિનિયર નેતાઓની અવગણના છે તે પણ અહીં થઈ રહી છે, જેને લઈને સિનિયર નેતાઓમાં નારાજગી પણ વધી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે હવે આ નારાજગી સીધી હાઈકમાન્ડ સુધી પહોંચશે. અલ્પેશ ઠાકોર પણ નારાજ હોવાની અત્યારે વિગતો મળી રહી છે. તો આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીશું ટીવી 9 ના સંવાદદાતા રજનીશ રંજન પાસેથી. રજનીશ, કોંગ્રેસ મેં કહીં ના કહીં યે બવાલ મચા હુઆ હૈ ઇસ પૂરે મસલે પર, હાઈકમાન્ડ કી ઓર સે કૈસા રુખ જો હૈ વો દેખને કો મિલ સકતા હૈ રજનીશ? बिल्कुल, देखिए गुजरात कांग्रेस में लगातार नाराजगी की खबरें सामने आ रही है. एक के बाद एक कई सीनियर नेताओं ने अपनी ओर से जो नाखुशी जाहिर की है, खास तौर पर कांग्रेस संगठन में उनकी जो उपेक्षा हो रही है उस बात को लेकर. हालांकि कैमरे पर कोई भी नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि वो नाराज हैं, लेकिन भीतरी तौर पर जरूर उनकी नाराजगी देखी जा सकती है. तमाम लोगों को ये लगता है कि इस वक्त गुजरात कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो युवाओं के हाथ में है, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा हों या CLP लीडर परेश धानानी हो, और उनके अलावा भी संगठन में तमाम जो बड़े ओहदे हैं ज़्यादातर युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है. और ऐसे में जो पुराने लीडर्स हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने CLP लीडर हैं या पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, ऐसे सीनियर नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. हालांकि कल ये तमाम लोग जब दिल्ली आए थे तो ये ऐसा लगा था कि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कल पूरे दिन ये दिल्ली में रहे, राहुल गांधी से इनकी मुलाकात नहीं हुई. और कल देर रात लगभग 9:30 बजे के आसपास में राजीव साटव जो प्रभारी हैं गुजरात कांग्रेस के, उनके घर पर मुलाकात का दौर शुरू हुआ और देर रात तक 2 बजे लगभग ये बैठक चलती रही. और उसमें सिर्फ यही बताया गया कि लोकसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोर ग्रुप की ये बैठक थी और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है. बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब एक दिन पहले राजीव साटव गुजरात में थे तो वहीं पर कोर ग्रुप और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में इन लोगों के आने का मकसद यही था कि राहुल गांधी से मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का समय इनको नहीं मिला. और सीधे तौर पर कहा गया कि जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं राजीव साटव ही इस पूरे मामले में मॉनिटर करेंगे, उन्हीं की अगुवाई में तमाम लोग बातचीत करेंगे और बीच का रास्ता निकाला जाएगा. हालांकि कल उस बैठक में अहमद पटेल खुद मौजूद थे, और ये भी आपको मालूम होगा कि जब अचानक गुजरात कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने कुछ दिन पहले एक गुप्त मीटिंग की थी, उसके अगले दिन अहमद पटेल अहमदाबाद पहुंचे थे, उन नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर एक तरह की रस्साकसी मची हुई है. सीनियर नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो उनकी उपेक्षा हो रही है, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो बीच का रास्ता क्या होगा वो निकालने की कोशिश जरूर है. लेकिन सीनियर नेताओं के बाद अब अल्पेश ठाकुर जो युवा नेता हैं, उनको विधायक भी वो बने हैं और सेक्रेटरी भी उनको बनाया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की टीम के वो हिस्सा थे, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आ रही है. और ऐसा बताया जा रहा है कि शाम को अगर वो दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से उन्हें मुलाकात का समय मिलेगा, तो जरूर उनकी जो नाराजगी है वो राहुल गांधी के सामने रखेंगे. और ये खुलकर उन्होंने कह दिया है कि अब वो अपनी बात पार्टी आलाकमान से नीचे किसी से नहीं करेंगे. तो नाराजगी का जो लेवल है, चाहे वो सीनियर नेताओं में या नए नेताओं में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है. लोकसभा चुनाव से पहले अगर डैमेज कंट्रोल नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो चुनौती है और मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए. तो आपने जणावी दीधुं कि कांग्रेसमां असंतोष हजु पण जोवा मळी रह्यो छे. आखरे नाराजगी शुं कांग्रेसने अहीं नड़शे के पछी भारतीय जनता पार्टीने आ नाराजगी फळशे?